स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संगीता पंत जी, संगीता प्रीता पंत आइए। मनोज रमोड़ा जी, प्रशांत नेगी जी आइए आइए। मनोज जी आइए। मनोज जी, प्रशांत जी, प्रशांत जी यार बीच में आ गए ये। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, हेलो, एक्सक्यूज। ओम श्री गणेशाय नमः। सतीश जी, DS मीडिया पूरा इस इवेंट को कवर करना है। ओम श्री गणेशाय नमः। मकर तुंड महाकाय सर्व भूत सर्व प्रभु गणपति बाप्पा। एक्सक्यूज मी, सिट डाउन, वांट टू टेक फोटो, यू गुड सिट डाउन टेक द फोटो। शशि जी आइए ना, ये एक्टर में है, सेंटर में। शशि आइए। राघव जी पीछे बैठे हैं। अब मेरा निवेदन है हमारे अतिथियों से कि दूसरी तीसरी सीढ़ियां यहां भी बैठे ताकि स्वागत है। हमारा स्मिता ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता जी का जो काम है उसके लिए बस हम यही कह सकते हैं कि यही जुनून, यही ये ख्वाब मेरा है, वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तो स्मिता जी 23 साल पहले मुक्ति फाउंडेशन की उन्होंने स्थापना की थी, इसके चेयरपर्सन हैं। 6 गीत संगीत से जुड़ी हुई हस्ती है। गीता जी आपको अपने बीच का अगर अच्छा लगा। डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा, आप आयुर्वेद आचार्य हैं तो आपको विशेष सम्मान प्रदान किया जा रहा है। रानी जी, जी और डॉक्टर साहब के साथ हैं बाल कलाकार अर्णव टाटा जी। अर्णव राजे जी, आप कृपया बीच में यहाँ बीच में ये, और रानी जी आप इस बच्चे को सम्मानित कीजिए। हाँ बेटा, उधर देखो, सामने देखो और मुस्कुराओ। हाँ, कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराओ। अच्छा अच्छा, जिनको ट्रॉफी मिली है एक साथ खड़े हो जाइए चारों ग्रुप फोटो के लिए सामने हमारे अतिथियों के साथ। इस ठीक जी, आशा जी को सम्मानित कीजिए। समता जी, नेहा जी, शांताबाई काले जी, पूनम कनौजिया, सुशीला पटेल, माया पूजा जी, मेधा पाटकर जी के साथ हैं। उल्का मेहरू जी हैं, कहाँ उल्का?
दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे चौटा नहीं दिख रहे, ढूंढ रहे हैं। एक साथ ऐसे ही ग्रुप फोटो के लिए और सामने देख के मुस्कुराइए। नहीं आप बिना आपके कैसे रहे? ठीक है, जा चुका है समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ऐसे हाथ तो कर दीजिए, खड़े होके हमारे दर्शक आपको देख लें। अच्छा, यहाँ पे मेरे कैमरा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और नारी अधिकारों की जागरूकता के लिए जो काम कर रही हैं स्मिता ठाकरे जी, वो बहुत अपने आप में सराहनीय है। आप उनका तालियों से स्वागत करें। और अमला राजेश जी से थोड़ी देर पहले आप मिले, जिन लोगों ने रिहाई फिल्म देखी होगी उनको ये पता है कि नारी मन की संवेदना का चित्रण कैसे होता है और नारी के अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और अपने इस फिल्म मेकिंग के लिए 5 बार अमला राजेश जी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है और अभी नेटफ्लिक्स में भी फायर ब्रांड आपका बहुत चर्चित हुआ और डॉक्टर सोमा घोष, इनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे जो शहनाई के बादशाह थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब, वो बोलते थे कि मेरी बेटी है। तो शास्त्रीय संगीत में बहुत नाम कमाया और जो लोक संगीत की थाती है, कजरी है, बिरहा है, दादरा है, ऐसे लोक संगीत को घर घर तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर सोमा घोष ने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारी दृष्टि में ये 3 महान महिलाएं, मैं चाहता हूं कि ये जो एक उनके लिए बच्चा ही है जो बहुत अच्छा गा रहा था, उसका वो सम्मान कर दें। आइए आदरणीय स्मिता ठाकरे जी, अरुणा राजे जी और सोमा घोष जी, इस बच्चे का सम्मान कर दीजिए, अब बहुत अच्छा गा रहा था। बीच में थोड़ा सा था, इधर आ जाइए चिंदन जी, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, और चिंदन जी थोड़ा सा पीछे जी 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 मैडम, एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन महिलाओं के हाथ से चिंतन बाकी वाला सम्मान हो रहा है जिन्होंने, केसी गुप्ता जी जीएसटी कमिश्नर, कृपया बधाने, और वो संगीतकार और गायक भी हैं गुप्ता जी, आपका आप केशव जी के साथ खड़े हो जाइए। हाँ, चिंतन बाकी वाला जिनके गाने भी आप सुन रहे थे, बहुत प्यारे गायक के भार किशोर के लिए जो जाने जाते हैं, आप सबके सामने थे। और 26 मई को हर साल इंदौर में अपनी माँ की याद में संगीत का उत्सव करते हैं, कई लोगों को, कलाकारों को वो सम्मानित करते हैं। चंदन दी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो अरुणा जी, बस 5 मिनट में चाहता हूँ, एक बार आप लोग और रुके यहाँ पर, चंदन जी आप जा सकते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, देखिए इधर किनारे मैं रानी पोदार जी को आप सबके सामने बुला रहा हूँ। देखिए आप सब लोग जो मुंबई में रहते हैं, पोदार घराने का नाम सुना होगा, और बहुत कई साल पहले जब बालिकाओं के शिक्षक के प्रसार के लिए उन्होंने सीताराम पोदार बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, अंधेरी में भी पोदार हाई स्कूल है जो कॉलेज होने की ओर अग्रसर है। तो ये बहुत इस शहर की प्रमुख उद्योगपति हैं रानी पोदार जी, और हमारे राज्यपाल जी ने इन्हें कोरोना में जब लोग घरों में से निकलने में बाहर हिचक रहे थे, रानी पोदार जी मुंबई में घूमती थी, लोगों को मदद पहुंचाती थी, तो इनको हमारे राज्यपाल महोदय ने कोरोना योद्धा के अवार्ड से सम्मानित किया। और कई साल पहले आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से
एंजल ऑफ द सिटी की उपाधि से अवार्ड से नवाजा गया था, और दिल्ली की HIV फाउंडेशन की तरफ से यंग मदर टेरेसा आपको 20 साल पहले अवार्ड हासिल हुआ था। तो लगातार जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, रानी जी को समाज संरक्षक लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और नम्रता पोदार जी, आपका स्वागत है रानी जी की ट्रॉफी का, जिसका सम्मान हो रहा है जी। हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोश रहकर रानी जी बहुत समाज की सेवा कर रही हैं। ठाकरे साहब जी के घर जब लौट रहे, उन्होंने उनको पैर छूके प्रणाम किया ठाकरे साहब, और लौटते वक्त बाबा कह रहे थे, शुमा ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं है बेटा, ये महाराज है, इनको हमेशा सर झुकाना। तो आप उनकी परिवार से है, हमें बहुत खुशी है कि वहाँ पहुँचाने वाले वही थे। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति इन दोनों द्वारा आयोजित आज का ये समारोह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस समारोह में आए हुए सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है केशव राय जी और संध्या राय जी, इनको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कठिन काल कोरोना काल में भी इस तरह का आयोजन किए। की प्रतिनिधि है वही माँ लोपा मुद्रा गार्गी मैत्री बनकर नारी जाति को सम्मान दिलाया, वही माँ झांसी की रानी कल्पना चावला अहल्याबाई होलकर बनकर विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और नारी को सम्मान दिलाया। नारी असुर तो दमन करती है, लेकिन नारी क्यों अद्वितीय है, क्योंकि नारी में जो नारी की जो शक्ति है वो है इनकी स्नेह ममता सेवा भावना और उनकी जो टॉलरेंस है, यही नारी की शक्ति है। और मैं समझती हूँ नारी कर नहीं सकती ऐसा कोई भी काम नहीं है, लेकिन नारी की ये शक्ति दुगुनी हो जाती है जब उन्हें सम्मान दी जाती है। ये जो सम्मान आज दिया जा रहा है यहाँ पर अद्वितीय नारी को, इससे उनकी शक्ति और भी दुगुनी हो जाएगी, वो और भी अच्छा काम करेगी। और गीतकार समीर जी कृपया मंच में पधारे। समीर जी आ रहे हैं। किन्नरी मेहता जी आप भी आई, जय मेहता जी आते हैं। आगे हमारे सम्मानित होने वाले तैयार रहे, क्योंकि सभी की इच्छा है स्मिता जी, सोमा जी, अरुणा जी और रानी जी यहाँ तो सम्मानित होने की, तो आगे मैं नाम घोषणा करूंगा। आइए अरुणा जी के साथ में आइए। जय मेहता और किन्नरी मेहता जी आप पधारे हैं। जो गाड़ी आई थी इनकी आई थी, जय मेहता इनका भी इनका बहुत बड़े ठीक है। ये हाँ, इसका आवरण हटा दे, मतलब जो पर्दा है राजू का मिल जाती है, क्या बताएं अलग आया था पता नहीं। और तो मैं भाई सब साथ में ही खड़े हैं, ये प्रोड्यूसर लग रहा है मैडम सर के ना पर ये किन्नरी जी और जय मेहता थोड़ा सा एक फुट आगे आते हैं ये सब। हाँ स्पॉन्सर बहुत है, देखो ना भारत पेट्रोलियम ने स्पॉन्सर किया है, बहुत मजबूती से बांध लिया है।
एकेडमी और केशव जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि अपने अपने क्षेत्र के शिखर पे पहुँचे हुए लोगों द्वारा मेरी इस किताब का विमोचन हो रहा है। मेरे बड़े भाई समीर जी, स्मिता ताई, अरुणा राजे जी, सोमा जी, जिनको देख के हम लोग सिर्फ प्रेरणा लेते रहे यहाँ तक पहुँचने का। मेरी इस किताब के बारे में मैं बारिश और तुम सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने जो कुछ आप बीती लोगों से इस इंडस्ट्री में रहते सुनी या देखी उसका जिक्र किया। कहते हैं बम्बई में रोटला मिल जाता है, ओटला नहीं मिलता। यह हकीकत है कि यहाँ आदमी पावड़ा खा के जी लेता है, लेकिन रहने की जगह उसको नहीं मिलती। तो मेरे इस कहानी का पात्र किस तरह से इस शहर में अपने आप को रहने का ठिकाना ढूंढता है, और चाहते ना चाहते भी कुछ गलतियां होते हुए भी खूबसूरत सी गलती उसकी साथ देती है, उसके साथ ही मिलते जाते हैं और उस पड़ाव में आखिर तक उसका साथ देते हैं। थैंक यू वेरी मच समीर जी, शुभकामनाएं के दूसरे। सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद और मालवा रंगमंच समिति का आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी खूबसूरत शाम का आगाज किया इन्होंने। और ये जो तमाम लोग जितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतनी सक्षम हैं कि पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। जहाँ तक स्मिता भाभी का सवाल है, बहुत पुराना रिश्ता है, इनके बारे में मैं कहने लगूँ तो कम से कम एक घंटे तक मैं बोल सकता हूँ, इतना सब कुछ हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। बहुत प्यार दिया इन्होंने, और मुझे जहाँ तक याद है कि इनकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी के गाने जब मैं लिख रहा था तब मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई। इसके पहले मैं इस परिवार से बहुत बार मिल चुका हूँ, बाला साहब ठाकरे साहब से भी मिल चुका हूँ मैं बहुत बार, और बड़ा स्नेह रहा इन लोगों का मुझ पर। और जहाँ तक शशि दुबे की बात मैं कहूँ, ये मेरा छोटा भाई है, क्योंकि हम मेरे ख्याल से दो पीढ़ी से मेरे पिता स्वर्गीय गीतकार अनजान और फिर मैं और अब शशि दुबे उस विरासत को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब जब इसने लिखनी शुरू की तब उसने कहा कि भैया मैं कुछ लिख रहा हूँ मगर मैं पहले उसको भेज रहा हूँ, आप अगर आप उसमें हामी भरेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा। और वो मेरे बच्चे हो, मेरा भाई हो, कोई भी मेरा हो, अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं बिल्कुल उसको आगे बढ़ने की सराहना उसके लिए नहीं करता, उसको प्रोत्साहन नहीं देता। तो मैंने इससे बोला नहीं बेटा तुम लिखो, बहुत अच्छी किताब लग रही है और इसको तुम प्रकाशित भी करवाओ, क्योंकि ये हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं इसको प्रकाशित करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। मैंने कहा नहीं इसको करवाओ, और आज देखिए सौभाग्य कोई अच्छी शुरुआत जो है वो अंजाम तक पहुँचती ही पहुँचती है। और आज जिन लोगों के बीच इस किताब का उद्घाटन हो रहा है और जिस मंच पे इस किताब का उद्घाटन हो रहा है, अपने आप में इस किताब की सफलता का एक मार्गदर्शन है ये किताब कहाँ तक पहुँचने वाली।